मैंने आपको ओप्पो रेनो सीरीज के अंदर हर स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग सबसे पहले दी है, रेनो 6, रेनो 7, रेनो 8, रेनो 8 प्रो विद गिव अवे, और मैंने आपको वीडियो दी अभी रिसेंटली के अंदर ओप्पो A78 5G की, उसका गिव अवे लाइव है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको, पार्टिसिपेट कर लेना। और उसी डिजाइन को वापस से मार्केट में उतारते हुए ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 8T ये स्मार्टफोन भाई इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है 3 तारीख को। और ये स्मार्टफोन पता है किसको टक्कर करेगा, ये जो बजट में नहीं आ रहा अभी रियलमी रेडमी है ना, कर्व डिस्प्ले 120Hz के साथ में, उन्हें टक्कर देने के लिए ओप्पो रेनो 8T इंडिया के अंदर लॉन्च से पहले अनबॉक्सिंग आएगी, गिव अवे आएगा भाई। लेकिन बात करते हैं पहले कि आपको यहां पर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं ओप्पो रेनो 8T के बारे में, सारी जानकारी इसी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू कंपेयर गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो का भाई टारगेट है 500 लाइक्स का, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के लुकिंग के, भाई साहब एग्जैक्ट सेम आती है ओप्पो A78 5G की तरह, बड़ी बड़ी कैमरा की रिंग है ना, एक पीछे से ऐसे डिजाइन आ रही है कैमरा मॉड्यूल के अंदर, ये डिजाइन भाई देखने के अंदर काफी ज्यादा क्लासिक लगती है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, 186 ग्राम का आएगा और स्मार्टफोन यार काफी ज्यादा हैंडी होने वाला है क्योंकि रेनो सीरीज के अंदर अब तक के सारे स्मार्टफोन भाई साहब लुकिंग के अंदर काफी ज्यादा कातिल थे, चाहे बात करते हैं ना 6 की 7 की 8 की, यहां पर भाई साहब डिजाइन के अंदर, इनहैंड फील के अंदर, रेनो सीरीज के अंदर हमेशा काफी बढ़िया काम किया जाता है, दैट्स फॉर श्योर, एकदम एग्जैक्ट सेम है ओप्पो A78 5G की तरह। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट, वो आती है दोस्तों यहां पर डिस्प्ले, 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED पैनल, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, वाइड वाइन L1 90% का मिलेगा आपको स्क्रीन बॉडी रेशियो, यानी कि बेजल्स चेन पंच होल भाई साहब एकदम छोटे छोटे हैं, 1000 निट्स की ब्राइटनेस पीक, एग्जैक्ट सेम है यार, यानी कि कोई भी स्मार्टफोन में आपको ये मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 3D कर्वेचर डिस्प्ले ये आती है इसकी मेन हाईलाइट, क्योंकि बजट के अंदर रियलमी ने है ना रेडमी ने अपनी काफी अच्छी डिस्प्ले को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, तो ओप्पो कैसे पीछे रहेगा भाई, बजट के अंदर एमोलेड पैनल के साथ में 3D कर्वेचर डिस्प्ले रेनो 8T के अंदर, यहां पर भाई साहब कलर्स के अंदर है ना ये स्मार्टफोन काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि रेनो सीरीज के अंदर हमने पहले भी देखा है दोस्तों रेनो 8 में 8 प्रो के अंदर डिस्प्ले के अंदर कभी भी कोई भी कमी नहीं आती है, चाहे हम बात करते हैं ना मीडिया वॉचिंग कंटेंट वॉचिंग गेमिंग के अंदर भाई ये डिस्प्ले, और हां 3D कर्वेचर के साथ में आपका एक बेहतरीन एक्सपीरियंस बनाने वाली है रेनो 8T के अंदर, और ये बहुत कमाल की है। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेक्स के बारे में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 6nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर, लेकिन हां ये एक 5G तो है दोस्तों लेकिन एक स्टार्टअप है, यानी कि उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है लेकिन उतना ज्यादा बेकार भी नहीं है, काफी है ना एक एवरेज काम करवाता है, 6GB 8GB के वेरिएंट्स मिल जाएंगे, यानी कि 6/128/8/128 के 4X RAM UFS 2.2 के साथ में 7 5G के बैंड, Android 13 पर आएगा भाई आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि काफी अच्छी बात है, 4 लाख का एंटीटू बेंचमार्क, लेकिन ब्लॉटवेयर आपको यहां मिलेंगे लेकिन होपफुली आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, मीडियम टू हाई सेटिंग दोस्तों गेमिंग कीजिए, कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप लैग जिटर नजर नहीं आएगा, लेकिन HD हाई सेटिंग्स पे यानी कि मीडियम टू हाई सेटिंग दोस्तों गेमिंग कर पाएंगे, कोई खास बड़ी हाई लेवल की गेमिंग यहां पर नहीं हो पाएगी क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 आपको एक ना ठीक ठाक एवरेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स फॉर श्योर, प्राइस के हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको एक बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएगा, काफी ब्रांड ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको इसी प्राइस के अंदर अभी भी स्नैपड्रैगन 695 को प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में, 108 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर, यानी कि बेसिकली यहां पर आपको एक ही कैमरा मिल रहा है, रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल्स का, 16 का सेल्फी कैमरा, और ये क्वालिटी भाई काफी ज्यादा बेसिक सी होने वाली क्योंकि मैंने ओप्पो के सारे स्मार्टफोन टेस्ट किए हैं, सारे एक भी मैंने आज तक छोड़ा नहीं भाई, और ओप्पो के अंदर और सारी अनबॉक्सिंग भी मैंने आपको निकाल के दी, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी काफी डिसेंट आने वाली है भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना वीडियोग्राफी की, FHD 30fps फ्रंट और रियर दोनों के अंदर, लेकिन कैमरा क्वालिटी इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कैसी आएगी भाई उसके लिए मैं करनी पड़ेगी इसकी टेस्टिंग, वीडियो नहीं फोन आने के बाद में आएगी वीडियो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, 4800 mAh की बैटरी, 67W का चार्जर मिलेगा आपको इन द बॉक्स। और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस दोस्तों बताएंगे मुझे आप कि आपको क्या लगता है कि ये बिल्ड क्वालिटी, कर्वेचर डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 695, 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा, 4800 mAh की बैटरी, ये कॉम्बिनेशन आपको कितनी प्राइस में चाहिए आपके हिसाब से, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए दोस्तों, मुझे आप कमेंट कीजिए।
रिप्लाई आपको मिलेगा वहां पर मेरी तरफ से कि आपने वहां पर कितना सही गैस किया है। तो ये है दोस्तों यहां पर रेनो 8T जो कि 3 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, 3 फरवरी को। और ये स्मार्टफोन भाई साहब काफी ज्यादा कातिल जहर होने वाला है क्योंकि टक्कर करेगा मिड रेंज के अंदर। बाकी देखते हैं अनबॉक्सिंग आपको मिलेगा मेरी तरफ से, लॉन्च से पहले गिव अवे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हां भाई, वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं सब्सक्राइब कर देना ताकि और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।